नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएन हरियाणा। डीएन हरियाणा नंबर वन हरियाणा। डीएन हरियाणा टीम पहुंची आज गांव कथुरा में। तालाब पर यहां कुछ लोग बैठे, इनसे बात करेंगे यहां के नागरिक भाई, वो किस पार्टी को जाना है, किस पार्टी को अपना मत दे रहे हैं, किस पार्टी का क्या रुझान है, जानते हैं इनसे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब, जो विधानसभा उपचुनाव होना है इसको लेकर क्या राय है फिलहाल, कौन सी पार्टी का माहौल लग गया? मतलब कांग्रेस के हैं सीधे। विधानसभा उपचुनाव होगा, बाय इलेक्शन है, इसमें कौन सी पार्टी का माहौल लगा? हम तो कांग्रेस की देंगे भाई, कांग्रेस की। महाराष्ट्र में काम कर देना, कितने दे लिए हमने, कोई काम नहीं करते था। वो जोड़ में देखिए खंबा पड़ जोड़ में खंबा, वो खंबा नहीं बदलते यार, मतलब मैं समर्थ के करंट आने की वजह से देख लिए तो ये भी दिखावा खंबा भी। और ये कुछ भाई युवा बैठे ने बात करेंगे। राम राम भाई। राम राम भाई साहब, विधानसभा चुनाव होगा ये, इसको लेकर क्या कुछ माहौल आपके गाँव में, कौन सी पार्टी का माहौल? माहौल तो सब अलग अलग है, कोई किसी का एक बोला। तो मतलब केला के मतलब हमने कौन सी पार्टी विजयी हो सके इस चुनाव में? कांग्रेस का रुझान है, कांग्रेस हो सके, ज्यादातर कांग्रेस का रुझान है गाँव में। देखो भाई, कांग्रेस का रुझान बताओ, एक जो ताऊ बैठे हैं मंडा समय रहना बात करेंगे। ताऊ राम राम। राम राम भाई। ताऊ जी साहब, मेरा इलेक्शन होगा, विधानसभा चुनाव होना है, ये तो सबने बेरा है, तो ये किस कौन सी पार्टी का रुझान लागा भाई? पार्टी लकड़ से काटता है, कौन सी पार्टी का रुझान है कांग्रेस का? हमारे तो भाई कांग्रेस है, ये मने है कांग्रेस वाले। ये देख दे उड़े ले रहा है ना जितने था, तो मतलब कांग्रेस का रुझान लागे तब। हाँ देखो, कांग्रेस का रुझान लाग गए बताओगे भाई साहब। राम राम। राम राम भाई। इलेक्शन के भी उतला गए भाई, मारा कांग्रेस का है भाई, कांग्रेस का है, बीजेपी को नहीं, कोई नहीं। और ये दूसरी तड़ी पार्टी हो रही जो 35,000 वोट देगी थी पिछले ना, मारा तो कुछ नहीं लेगी, वहाँ कुछ नहीं लेगी, कुछ नहीं लेगी। मारा तो आय योजना में कांग्रेस आवे है। अच्छा। और जो ये वादा की मैं कराऊं दे उसकी मोदी सरकार के ने। अच्छा। काम उठ का आधा 500 वो कुछ नहीं कर लिया, कुछ नहीं कर लिया, का आधा कल तक शुरू हो जाए तारे काम। अच्छा। और मारे वो नहीं कर सीएम आया था। हाँ, हाँ, वो मुख्यमंत्री आया था घुमाने। हाँ हाँ जब आबर कर। हाँ जब आबर कर गया। कौन करके गया? ना नहीं करके गया, करके गया भाई। इस ताऊ ने पूछा है, पसीने बहुत आ रहे हैं, हर बीड़ी का जोटा ला रहे हैं। ताऊ राम राम। राम राम भाई, हमारा चैनल पर स्वागत है तेरा। हाँ बोली। तो ताऊ मैंने को बताया भी इलेक्शन होगा। हाँ। इस इलेक्शन के लिए रुझान लग गया है भाई, पुणसी के पार्टी ने वोट ठेस का रुझान है, बीजेपी ने तो देख कर जी नहीं जमा देख कर जी नहीं। मतलब इसी के बास आओ बीजेपी, मतलब बीजेपी मतलब बास इतनी आवा है, सारे जमींदार मजदूर सबके में लो दिए, इनने सबके में लो दिए। हाँ। देवीलाल कर रहा था मौज, वो कर गया था उनकी रीस इप्ती पूरी भी ना हो लीन बजे पीछे। अच्छा। मकाना है पीछे। अच्छा अच्छा। तो फिर इलेक्शन में लोन माफ है, लोन माफ भी कर गया था है? और टैक्स टूक्स भी हटाए थे देवीलाल ने तो। हाँ तो मतलब देवीलाल ने 36 टैक्स हटाए थे, कल्ट्रियो गई उसकी तोड़ी। अच्छा अच्छा। रेडियो का उसकी तोड़िया, साइकिल का उसने तोड़िया, ट्रैक्टर का उसकी तोड़िया। अच्छा, बोलर कुंसन कर दिया जमींदार का। अच्छा। उससे बिना कोई का भला नहीं हुआ जमींदार का। फिर मतलब देवीलाल वाली पार्टी ने, अरे देवीलाल वाली तो ध्यान दो, वो आदमी ना रहा, वोट गिर ना रहा, कौन हमने कांग्रेस से सुना उसका पोता जेजेपी वाला ना, यू भाज गया सड़ा नंगड़ था, भाज गया। हाँ अरे यो अबे अभी तो भाई किसाना खतर मंडिया में पूरा रोला रब्दा ठहरा था। अबे ने तो कोने मिलने दी वोट, वोट तो इसे मिल लो, फिर भी बाज गया, यू लत्ता उठ गया दूसरे का, लत्ता उठ गया। हाँ फिर लत्ता तार होगी, लत्ता तो पाट देंगे इसका ही होगा जब। और छोरा तो शरीफ बताओ है, है? छोरा तो शरीफ से फिर फूल दिखाओ केक रहे उसका। अच्छा बढ़िया, कौन बताए? देखो बताऊ नाराज है भाई, पहले तो जेजेपी तक भी वोट दीन है, देवलाल का फैन है। हर भाई एक और बैठे और बात कर। राम राम जी। राम राम जी। तो इलेक्शन हो रहा है विधानसभा चुनाव, भाई इलेक्शन इसमें क्या ब्योत लग गए? इसमें ब्योत यू है, विरोधी दल का जो बढ़िया कैंडिडेट किसी भी पार्टी का होगा उसको अच्छे कैंडिडेट को वोट, मतलब विरोधी दल कहेगा कोई कैंडिडेट नहीं, कैंडिडेट नहीं है, ये सभी बाहरी आते हैं इधर। बाहरी कौन सा हो गया जी? बाहरी यू कृष्ण मूर्ति उड्डा भी बाहरी था। एक बात बताओ, उधार नहीं कर, कुछ नहीं कर,
अब एक युवा था अपने बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, रणजीत जो ये तालाब है इसके ऊपर एक खम्बा है, अच्छा उसकी एप्लीकेशन उसको दी थी बाई फेस, उसको ये भी करवा था लेकिन इसका भी कोई उधार नहीं। बात तो करा कि खम्बा दे दी खड़िया है, कौन कराया? तीन दिन क्या गया था, तीन दिन की क्या गया था इसने दफ्तर तय करेंगे। कौन सी पार्टी ने वोट दिया? हम जो विरोध दल का बढ़िया कैंडिडेट होगा किसी भी पार्टी का होगा उसको वोट देंगे। बढ़िया कैंडिडेट ना बोल दो, एक तक बढ़िया नहीं आए मतलब। नहीं नहीं देखा मैंने कहा बढ़िया कने एक भाई वाला लट्ठी ले रहा है, इससे बात करते आ रहा एक और ये बुजुर्ग खड़े हैं भाई, इनका बात कर रहा है। राम राम जी। राम राम भाई, इलेक्शन आके कुछ भी होती है वोट पड़ेंगे जो काम में कुछ किया हुआ भाई, आड़ा तो उड़ेगी उड़ेगी। और कोई सी पार्टी कौन है? जेजेपी की भी है। जेजेपी कितनी का? बीजेपी की कम है जेजेपी की। अच्छा ये तो कटिए लड़ेंगी। हां देखिए भाई कुछ महिला हो रहे हैं तीन तौर बात करें यारे मैच पानी पहन रही है भाई, इलेक्शन ही के कुछ हुआ तो भाई ने पूछा एक बार कौन सी पार्टी ने पसंद करें है कौन सी ने नहीं, तो भाई से बात करेंगे। ताई राम राम। राम राम भाई। ताई इलेक्शन होगा हाँ। इसमें कौन सी के पार्टियां मोहल्ला के किसकी के वोट पड़ेंगी भाई? के बेरा वोट तो सारे की पड़ेंगी। सारे ही पड़ेंगी हाँ। तो मतलब कौन सी पार्टी ने चाहो आप? हम तो उसमें चावा हाँ, जो हमारा राशन कार्ड भी बनवावे अच्छा, और हमारी पेंशन भी बनवावे अच्छा, बड़का ने नौकरी दिवावे अच्छा। इतना कोई ऐसा है नहीं जिन्हें वोट दो मतलब राशन कार्ड बनवाए और मारे तो बनवाए नहीं आज तक। तो फिर कौन सी पार्टी चाहो, इसी कौन सी पार्टी मानो हो के बेरा कौन सी पार्टी? उस हम तो खोल करके देंगे आपका वोट। अच्छा खोल करके दोगे? कति खोल करके देंगे डंका ही चोट। इसी प्रकार डीएन हरियाणा आपको दिखाता रहेगा हर किसी गाँव में जाकर, उस गाँव में क्या माहौल है देखते रहिए आप डीएन हरियाणा। डीएन हरियाणा के लिए मैं दिनेश जुलानिया।